फैशन डिज़ाइनिंग मेरा एक ड्रीम था कि आई वॉज बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, और मैं चाहती हूँ कि और लड़कियाँ इन्वॉल्व हों फैशन डिज़ाइनिंग में और सब चीज़ें हों, बुक करें। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वहाब। इस वक्त हम अमेरिकन कल्चर सेंटर में मौजूद हैं। हमारे साथ आफिया अनीफ मौजूद हैं, ये यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर भी करती हैं और सीनियर स्टूडेंट भी हैं। आज इनसे बात करेंगे कि वो अपना किस तरीके से मुस्तकबिल समझती हैं फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से, कितनी इनको मेहनत करनी पड़ी। आज ये इनके ड्रेसेस भी यहाँ पे रैम वॉक में इस्तेमाल किए जाएंगे, तो ये कितनी एक्साइटेड हैं इस हवाले से और पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर के हवाले से वो क्या कहती हैं। वालेकुम सलाम, मेरा नाम आफिया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए, और हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं और बहुत अच्छा मज़ा आया टाइम स्पेंड करते हुए और ड्रेसेस बनाते हुए, ड्रिपिंग करते हुए बहुत अच्छा लगा। तकरीबन आपने कितने ड्रेसेस जो है ना वो बना लिए हैं, और क्या समझती हैं उन ड्रेसेस को अगर यहाँ पे आज रैम वॉक में जैसे आए रहते हैं वो अवार्ड हासिल करते हैं तो आपकी कितनी खुशी होगी। मैंने टोटल 3 ड्रेसेस बनाई हैं और मुझे इन सब चीज़ों की बहुत खुशी होगी कि मॉडल्स आके पहनेंगी और हमारी मेहनत दिखेगी उन्हें। तो आपने तकरीबन कितनी मेहनत की इन 2 ड्रेसेस को बनाने के लिए, और कितनी आपके साथ और स्टूडेंट ने साथ दिया इसको? मैंने 13 मंथ्स का है ये कोर्स, तो मैंने 13 महीने इन चीज़ के लिए मेहनत की 2 ड्रेसेस की, और मेरा बहुत मैम ने भी बहुत साथ दिया, मैम अनीता ने भी बहुत साथ दिया और सब फ्रेंड्स ने भी बहुत साथ दिया। आप इसने फैशन डिज़ाइनिंग के काम को कितना चार्मिंग समझती हैं, और हमारी आने वाली जो नस्ल है, जनरेशन है, उसको क्या पैगाम देती हैं, वो किस तरीके से आके ये ज्वाइन कर सकते हैं? फैशन डिज़ाइनिंग मेरा एक ड्रीम था कि आई वॉज बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, और मैं चाहती हूँ कि और लड़कियाँ इन्वॉल्व हों फैशन डिज़ाइनिंग में और सब चीज़ें हों, बुक करें। उनके लिए कितना चार्मिंग होगा, थोड़ा सा वो आइडिया बता सकती हैं उनको कि उनका मुस्तकबिल या उनका क्या मुस्तकबिल होगा? मैं चाहती हूँ कि वो आएँ PACC, वो आके बात करें और वो ये कोर्स लाजमी करें, क्योंकि उन्होंने 13 महीने अपनी मेहनत करके ड्रेसेस बनाए हैं। आज यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर वो ड्रेसेस को इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो ड्रेसेस अवार्ड हासिल कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा अपने मुस्तकबिल को चार्मिंग समझती हैं और कहती हैं कि नई आने वाली नस्ल भी इस पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर को ज्वाइन करे, ताकि वो नए से नए फैशन डिज़ाइनिंग के डिज़ाइन जो है ना पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जा सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।